मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बेल बुद्धि डॉक्टर को देखते हैं, जिसका नाम डॉक्टर जेम्स है, जो कि अपनी आंखों में अपना बनाया हुआ एक केमिकल डाल रहा था। इस केमिकल से वो सभी चीजों के आर पार देख सकता था और उसकी आंखें जैसे कि कोई एक्सरे मशीन ही बन गई थी। उसका दोस्त भी उसे ऐसा करता देख हैरान था, क्योंकि अब वो टेबल पर रखे हुए पेपर के नीचे के पेपर को भी साफ तौर से देख सकता था और उसे पढ़कर भी वो दिखाता है, जिस पर उसका दोस्त एक ऑपरेशन के दौरान उसकी मदद करने को कहता है। तब डॉक्टर जेम्स इसके लिए मान जाता है, पर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर जेम्स देखता है कि ऑपरेशन सही तरह से नहीं हो रहा है, जिस वजह से वो डॉक्टर के हाथ पर जानबूझकर एक कट लगा देता है और खुद ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करता है। पर इससे डॉक्टर जेम्स को चार बातें सुना देता है, जिसके बाद हम डियाना को देखते हैं, जो कि जेम्स को अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है, जहां अचानक केमिकल के असर के कारण डॉक्टर जेम्स की आंखों में जलन होने लगती है और अब वो पार्टी में मौजूद सभी लोगों को बिना कपड़ों के देख सकता था, जिसके वो मजे ले रहा था। और वो डियाना को भी बताता है कि मैं तुम्हें बिना कपड़ों के देख सकता हूँ, जिस वजह से वो शर्मा जाती है, क्योंकि उसे भी डॉक्टर जेम्स के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था, पर अब इस केमिकल की वजह से उसे कोई नुकसान न पहुंचे। इसी वजह से उसका डॉक्टर दोस्त काफी चिंता में था, जिस वजह से उसने इस केमिकल का एंटीडोट बनाया था। वो डॉक्टर जेम्स को काफी समझाता है कि ये शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आगे चलकर एक श्राप बन जाएगा, पर डॉक्टर जेम्स नहीं मानता, जिस वजह से उसका डॉक्टर दोस्त उसे जबरदस्ती एंटीडोट का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और डॉक्टर जेम्स का दोस्त खिड़की से नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देखकर डियाना डॉक्टर जेम्स को वहां से भाग जाने को कहती है, क्योंकि उसे पता था कि ये हादसा गलती से जेम्स के हाथों हुआ है, पर पुलिस ये नहीं समझेगी। जिसके बाद अब कई साल बाद डॉक्टर जेम्स अब बाबा बंगाली बन गया था, जो कि आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों के लेटर्स को पढ़ने का ढोंग किया करता था और उन्हें उल्लू बनाने का काम करता था। एक दिन उसका ही एक साथी उससे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर पाते हो, पर जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद डॉक्टर जेम्स टेप रिकॉर्ड में अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में रिकॉर्ड करने लगता है, जिसे उसका वही साथी यानी कि क्रेन सुन लेता है, जिस वजह से उसे जेम्स की सच्चाई पता चल चुकी थी। पर तभी वहां एक हादसा हो जाता है और एक लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है, जहां डॉक्टर जेम्स देखता है कि लड़की का पैर टूटा हुआ है। वो एक लकड़ी उसके पैर पर बांध देता है। ये देखकर क्रेन समझ चुका था कि जेम्स किसी इंसानी जिस्म के अंदर भी देख सकता है। तब क्रेन डॉक्टर जेम्स को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे एक आइडिया देता है कि हम शहर से बाहर छोटे गांव में जाकर वहां के लोगों का इलाज करके दबाकर पैसा छापेंगे, दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से, और अपना राज ना खुल जाए। इस डर से डॉक्टर जेम्स मान जाता है और उसके पास अब कई सारे लोग अपनी बीमारियां जानने और उसका इलाज करवाने के लिए आने लगते हैं, जिससे वो काफी फेमस हो जाता है और क्रेन दबाकर पैसा भी छापता है, जिसकी खबर पढ़कर डियाना को पता चल जाता है कि हो ना हो ये जेम्स ही है, जिस वजह से वो उससे मिलने आती है। जब डियाना उससे मिलने आती है, तब जेम्स उसे बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हो रही है और मैं ऐसी ऐसी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे नहीं देखनी चाहिए। ये शक्ति मेरे लिए एक श्राप बन चुकी है, यहाँ तक कि मैं सो तक नहीं पाता और अब मैं फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। तब डियाना उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर उन दोनों की सारी बातें क्रेन सुन लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम वही खूनी हो। पर जेम्स डियाना के साथ वहां से भाग जाता है, पर अब उसे अपनी आंखों को फिर से पहले जैसा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जो कि उसे पता था कि कहां मिलेंगे। वो सीधा वही के एक क्लब में चला जाता है और आंखों में वही केमिकल फिर से डाल देता है और दबाकर पैसा जीतता है। इतना पैसा जीतने की वजह से कसीनो के मालिक को जेम्स पर शक हो जाता है और वो पुलिस बुला लेता है, पर वहां से जाते समय डॉक्टर जेम्स का चश्मा नीचे गिर जाता है और उसकी डरावनी आंखें देखकर सभी समझ जाते हैं कि इसी वजह से वो इतना पैसा जीत पाया है। जहां डॉक्टर जेम्स को अब सभी लोग स्केलेटन दिख रहे थे, जिस वजह से वो वहां से भागने के लिए अपना पूरा पैसा कसीनो में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। पर अब उसके पीछे पुलिस भी लग चुकी थी और तो और उसे ठीक से कुछ भी दिखाई तक नहीं दे रहा था, जिस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो जिंदा बच जाता है
और चलते हुए वही के एक चर्च में चला जाता है और आँखों में बेइंतहा दर्द होने की वजह से वो अपनी दोनों आँखों को अपने हाथों से निकाल कर फेंक देता है। और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।